दोस्तों, हम इस वीडियो में मानवाधिकार आयोग, माननीय न्यायालय, माननीय महिला आयोग के दिशा निर्देशों के संबंध में चर्चा करेंगे। विशेषकर पुलिस मुठभेड़ एवं अन्य पुलिस कार्रवाई के फलस्वरूप मृत्यु के समस्त प्रकरणों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली द्वारा पारित दिशा निर्देश क्या हैं? जब किसी थाने के भारसाधक अधिकारी को पुलिस पार्टी एवं मध्य हुई मुठभेड़ अथवा अन्य पुलिस कार्रवाई के फलस्वरूप हुई मृत्यु के बारे में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होती है, तो वह इसकी प्रविष्टि एक उपयुक्त रजिस्टर में करेगा। जब ऐसी मृत्यु कारित करने वाली पुलिस पार्टी के सदस्य उसके पुलिस अधिकारी हों, तो ऐसे प्रकरणों की विवेचना किसी अन्य स्वतंत्र यथा राज्य CBCID आदि से कराई जाए। जब कोई पुलिस के विरुद्ध ऐसे आपराधिक कृत्य की शिकायत प्राप्त होती है, तो सदोष मानवध के संज्ञेय अपराध के अंतर्गत है, तब भारतीय दंड विधान की उपयुक्त धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की जाएगी और ऐसे अभियोगों की विवेचना राज्य अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग से कराई जाए। पुलिस कार्रवाई के फलस्वरूप हुई मृत्यु की प्रत्येक मजिस्ट्रेटियल जांच अवश्य कराई जाए। मृतक के परिवार वालों को हर दशा में सम्मिलित किया जाए। मजिस्ट्रेटियल जांच पुलिस अन्वेषण में दोषी पाए गए अभियुक्त के विरुद्ध त्वरित अभियोजन विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना प्रत्येक प्रकरण परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करेगा। इस प्रकार के प्रकरणों में घटना के तत्काल बाद संबंधित अभियुक्त को किसी प्रकार के आउट ऑफ टर्न पदोन्नति या तत्काल वीरता घोषित न किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार के प्रत्येक दशा में तभी प्रदान संस्तुति किया जाए जब संबंधित अधिकारी वीरता संदेहहीन सिद्ध हो गई हो। पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु के प्रकरणों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश। पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु के प्रकरण में सूचना घटना के 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उपलब्ध कराई जाए। मृतक की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तथा वीडियोग्राफी घटना के 2 दिन के अंदर आयोग को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए नए प्रारूप में भेजे जाएंगे। पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण में मजिस्ट्रेटियल जाँच कराई जाएगी। मजिस्ट्रेटियल जांच यथासंभव तत्परता से कराई जाए तथा प्रयास किया जाए कि मजिस्ट्रेटियल जांच रिपोर्ट भी 2 माह में आयोग को उपलब्ध करा दी जाए। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के कुछ प्रकरणों में पोस्टमार्टम के बाद मृतक विसरा परीक्षण के लिए भेजा जाता है, क्योंकि विसरा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने में कुछ समय लगता है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य उपरोक्त अभिलेख आयोग को बिना विसरा रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए नियत अवधि में आयोग को उपलब्ध करा दिया जाए। विसरा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल आयोग को उपलब्ध करा दिया जाए। महिलाओं के वैधानिक अधिकार एवं उनकी सुरक्षा। धारा 498A भारतीय दंड विधान महिलाओं का उत्पीड़न करने पर, धारा 304B भारतीय दंड विधान दहेज हत्या विवाह के 7 वर्ष के अंदर संदिग्ध अवस्था में हुई किसी महिला के मृत्यु के संबंध में, धारा 376, 376 क, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 अंग भारतीय दंड विधान बलात्कार की संशोधित धाराएं हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत किसी महिला को सूर्यास्त के बाद एवं सूर्यास्त से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसी महिला को बयान के लिए थाने पर नहीं बुलाया जाएगा। किसी महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिसकर्मी द्वारा ही की जाएगी। जमानती अपराध में महिला की जमानत थाने पर या मौके पर ली जाएगी। महिला से पूछताछ करते समय महिला पुलिसकर्मी व महिला की किसी रिश्तेदार या घर के किसी सदस्य का मौजूद होना आवश्यक है। महिला की तलाशी महिला पुलिसकर्मी अथवा महिला द्वारा ही ली जाएगी। भ्रूण हत्या रोकने के उद्देश्य से भ्रूण परीक्षण को हस्तक्षेपी अपराध करार दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई है। धारा 3/4 दहेज निवारण अधिनियम के अंतर्गत वधु पक्ष से दहेज मांगने को दस्तानदाजी अपराध करार दिया गया है। नाबालिग लड़की का विवाह रोकने के लिए बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह अवैध माना गया है।
महिलाओं से वेश्यावृत्ति कराने व उसे रोकने के संबंध में सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट में प्रावधान किए गए हैं। धारा 363 366 भारतीय दंड विधान में नाबालिग लड़की का अपहरण एवं भगाना दस्तानदाजी एवं गैर जमानती अपराध है। धारा 354 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत किसी महिला का सील भंग करने को दस्तानदाजी जुर्म बनाया गया है। धारा 294 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत किसी महिला से सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकत करना व छेड़छाड़ करना दंडनीय अपराध है। प्रत्येक थाने पर महिलाओं की समीक्षा सुनने, उनकी शिकायतें सुनने पर तुरंत जांच करने एवं पति पत्नी के झगड़े निपटाने हेतु पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के आदेश से महिला हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। महिलाओं के पारिवारिक मामलों के निपटारे के लिए पारिवारिक न्यायालय गठित किए गए हैं। पुलिस थानों में मानवाधिकार का संरक्षण। थाने पर जो भी पीड़ित आए उसकी रिपोर्ट अवश्य लिखी जाएगी और धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिलिपि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस रेगुलेशन में ये व्यवस्था है, सीआरपीसी में भी ये व्यवस्था है। थाने पर लाए गए व्यक्ति के साथ मारपीट अथवा अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। धारा 160 दंड प्रक्रिया संहिता में इसका उल्लेख है। यदि किसी व्यक्ति को थाने पर साक्ष्य हेतु बुलाया जाता है तो उचित व्यय दिया जाएगा। धारा 107 दंड प्रक्रिया संहिता में इसकी व्यवस्था दी गई है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा तथा रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 50 दंड प्रक्रिया संहिता। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जब थाने में निरुद्ध किया जाएगा नियमानुसार भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निरुद्ध किए गए व्यक्ति विचाराधीन बंदी को न्यायालय में पेश करते समय या कारागार ले जाते समय अथवा एक कारागार से दूसरे कारागार में स्थानांतरण करते समय हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। जब तक कि संबंधित न्यायालय से लगाए जाने की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। पुलिस रिमांड में लिए गए व्यक्ति का प्रत्येक 48 घंटे में चिकित्सा कराया जाएगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यदि गिरफ्तारी के दौरान हल्की चोट आती है तो ऐसे व्यक्ति का चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा और जिस पर अभियुक्त तथा पुलिसकर्मी के हस्ताक्षर होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को उसी गिरफ्तारी के बाद अपने परिचित को टेलीफोन की सुविधा है तो टेलीफोन कराया जाए और टेलीफोन उपलब्ध न होने पर गिरफ्तारी की सूचना लिखित द्वारा दी जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। यदि पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना तत्काल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित की जाएगी, यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का निर्देश है। यदि किसी अपराधी से कोई बरामदगी की जाती है तो उसकी रसीद अवश्य दी जाएगी तथा चोर किए गए माल की उचित सुरक्षा भी की जाएगी, यह धारा 51 सीआरपीसी में वर्णित है। यदि किसी अपराधी ने ऐसा अपराध कार्य किया है जो जमानती है तो थाने पर उसकी जमानत यदि कोई अन्यथा कारण न हो तो ली जाएगी, यह धारा 436 सीआरपीसी में वर्णित है। पुलिसकर्मियों द्वारा किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करते समय अपनी वर्दी पर नाम पट्टी धारण करना आवश्यक होगा, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। किसी भी महिला को थाने पर अकारण नहीं रोका जाएगा, यह पुलिस रेगुलेशन में वर्णित है। थाने पर पूछताछ के दौरान आने वाली समस्त महिलाओं के साथ अभद्र अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न उनसे कोई अभद्र अश्लील प्रश्न पूछा जाएगा। विशेष रूप से बलात्कार की शिकार महिला के साथ जो पहले से मानसिक व शारीरिक वेदना से पीड़ित होती है के साथ उच्च कोटि की संवेदनशीलता का परिचय दिया जाएगा और जहां तक संभव हो उसकी रिपोर्ट महिला पुलिसकर्मी द्वारा लिखी जाएगी और यदि ऐसा संभव हो तो कम से कम महिला आरक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, यह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। बलात्कार से पीड़ित महिला का बयान उसके नजदीकी रिश्तेदार की उपस्थिति में लिया जाएगा एवं चिकित्सा परीक्षण के समय उसके किसी पुरुष रिश्तेदार की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, यह संभव न हो तो महिला पुलिसकर्मी के साथ भेजा जाएगा। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, यह अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में वर्णित है। श्रमिकों की समस्याओं विशेषकर उनकी महिलाओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाएगा एवं उसका निराकरण किया जाएगा, इसका वर्णन पुलिस रेगुलेशन में किया गया है। गिरफ्तारी के संबंध में
रिट याचिका संख्या 539/86 डीके बसु बनाम राज्य सरकार पश्चिम बंगाल, जिसका निर्णय दिनांक 18/12/1996 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हुआ था। इसमें जो निर्देश दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर एक, पुलिसकर्मी जो गिरफ्तारी करते हैं तथा गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, उन्हें शुद्ध अस्पष्टदर्शी व साफ पहचान की नाम पट्टिका धारण करनी चाहिए। वर्दी के साथ उनके पद व बैज अवश्य हों। उन सभी पुलिसकर्मियों जो गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करते हैं का विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए। नंबर दो, व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी एक फर्द तैयार करेगा जिसे कम से कम एक व्यक्ति गवाह द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जो या तो अभियुक्त के परिवार का सदस्य हो अथवा उस क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति जहां पर गिरफ्तारी की गई है। इस फर्द पर अभियुक्त द्वारा भी प्रति हस्ताक्षरित कराया जाएगा तथा इस पर गिरफ्तारी का समय व दिनांक भी अंकित होना चाहिए। नंबर तीन, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है अथवा निरुद्ध किया गया है या किसी थाने की अभिरक्षा में पूछताछ केंद्र पर है या लॉकअप हवालात में है, को अधिकार होगा कि उसके किसी मित्र, रिश्तेदार अथवा ऐसे व्यक्ति को जो उससे भली भांति परिचित हो और उसका हितैषी हो, वो जितना शीघ्र संपर्क हो साध्य साधन से सूचना भेजी जाएगी और जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि अमुक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अमुक स्थान पर निरुद्ध किया गया है। यह प्रतिबंध ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगा जिससे गिरफ्तारी के नियमों पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्र अथवा उस संबंधी के हस्ताक्षर कराए गए हैं। नंबर चार, यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्र अथवा रिश्तेदार जिले या कस्बे के बाहर के रहने वाले हैं तो उन्हें जिले की लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशन एवं संबंधित थाने द्वारा वायरलेस टेलीग्राफ के जरिए गिरफ्तारी का समय व स्थान अंकित करते हुए गिरफ्तारी के 8-12 घंटे के अंदर सूचना अवश्य दे दी जाएगी। जैसे ही कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, पुलिस का यह दायित्व होगा कि अपने इस अधिकार से अवगत करा दे कि वह अपनी गिरफ्तारी एवं अवरुद्धि के संबंध में किसी को सूचना दे सकता है। नंबर छः, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में निरुद्ध रखे जाने के स्थान पर डायरी में अंकित किया जाना जरूरी है कि गिरफ्तार व्यक्ति के किसी मित्र, रिश्तेदार को गिरफ्तारी की सूचना दी गई। उन पुलिसकर्मियों के नाम भी अंकित किए जाएं जिनकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति प्रार्थना करता है तो गिरफ्तारी के समय उसके शरीर पर प्रत्येक बड़ी एवं छोटी चोटों का निरीक्षण करके विवरण निरीक्षण नियमों पर अंकित किया जाएगा। इस निरीक्षण नियमों पर गिरफ्तार व्यक्ति तथा पुलिस अधिकारी दोनों के हस्ताक्षर कराए जाएं तथा फर्द की एक प्रति व्यक्ति को भी दी जाए। हर गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी उसकी निरुद्धि के 48 घंटे के अंदर प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा अवश्य कराई जाए, जो महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित पैनल पर हो। शासन से अनुरोध किया गया है कि वह महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा प्रत्येक जिले व तहसील स्तर पर ऐसे प्रशिक्षित डॉक्टरों के पैनल द्वारा कराएं। सभी अभिलेखों की प्रतियां गिरफ्तारी की फर्द सही जैसा कि ऊपर संदर्भित किया गया है क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को उनके रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएंगी। बंदी बनाए व्यक्ति को पूछताछ के मध्य अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, परंतु ऐसी सुविधा संपूर्ण पूछताछ के मध्य अनुमन्य न होगी। प्रत्येक राज्य मुख्यालय एवं जिला स्तर पर पुलिस कंट्रोल रूम बनाए जाएं, जहां प्रत्येक गिरफ्तार किए गए एवं अभिरक्षा में रखे जाने वाले व्यक्ति व स्थान की सूचना गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा 12 घंटे की अवधि के भीतर दी जाएगी। कंट्रोल रूम के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर सहज दृश्य यह सूचना स्पष्ट अंकित की जाएगी। धन्यवाद।